हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इंटीरियर न्यूज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में। तो अभी रिसेंटली ऋतिक रोशन की जो एक्स वाइफ हैं सुजैन खान, उनको जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन में देखा गया और ये माना जा रहा है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का रिनोवेशन का काम चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि सुजैन खान का जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड है, और लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। तो अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का जो रिनोवेशन का काम हो रहा है वो सुजैन खान कर रही हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली है न्यूयॉर्क से। तो न्यूयॉर्क में एक डिजाइनिंग फर्म है जिसका नाम है रॉबिन बैरन। तो उन्होंने भी क्या किया कि रिसेंटली COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए अपना पूरा का पूरा जो स्टोर है उसको डिजिटली ले गए हैं और पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स एक वेबसाइट को क्रिएट कर दिया गया है। तो इसको बोलते हैं मौके की नजाकत को देखते हुए चौका मारना, जिसके लिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस सब चीजों को जो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को सीखते हुए हमें भी इन सब चीजों से सीखना चाहिए और जिस तरीके से माहौल चेंज हो रहा है हमें भी अपने आप को उस तरीके से ढालना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो इसमें रिसेंटली एक लाइन जो है काफी पॉपुलर हो रही है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फाइट है उसमें इंटीरियर डिजाइनर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उनकी तरफ जो है एक आशा की नजर से देखा जा रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी जब कॉन्फ्रेंस जब हुई थी रिसेंटली शिकागो में, तो उसमें ये कहा गया कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें बेसिकली 40% जो रोल है वो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है उनका रोल है। अब देखिए, सबको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है वो जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उसके एमिशन से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। और पूरे वर्ल्ड वाइड का जो 40% जो कार्बन एमिशन है उसमें बिल्डिंग सेक्टर का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग सेक्टर के थ्रू जो है जितनी भी ओवरऑल सारे बिल्डिंग सेक्टर से हम ए से लेकर के जेड तक जितने भी बिल्डिंग सेक्टर की हम बात करें, चाहे वो सीमेंट हो गया, टाइल्स हो गया और जितने भी मटेरियल्स बनते हैं जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसका जो रोल है वो 40% कार्बन एमिशन करता है टोटल पूरे ग्लोबल का। तो ये इतना बड़ा एक गैप है कि अगर इसके ऊपर हम काम करें, इसमें मटेरियल्स को किस तरीके से हम जो है ट्रेंड में लेकर के आएँ जिससे कि जो ऐसे मटीरियल्स है जो कि ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि जो इंटीरियर डिजाइनर्स है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस ग्लोबल एमिशन से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 2021 जो है वो इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। और अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग को करने की सोच रहे हैं तो काफी अच्छा आपका डिसीजन हो सकता है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उसका रीजन ये है कि पेंडेमिक के बाद आपका मास्क पहनना बहुत ही नेसेसरी हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग नेसेसरी होगी, सैनिटाइजिंग जो है काफी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। तो अब जो हमारे घर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जितना भी आपका काम हो गया वो आपको घर में करना है, आपको रिलैक्स घर में करना है, आपको एक्सरसाइज घर में करनी है, तो घर को जो लेकर के काफी इंपॉर्टेंस जो है वो हो चुकी है। तो अब घर को लेके इंपॉर्टेंस हो चुकी है, तो उसके अंदर की जो डिज़ाइनिंग है और जो इंटीरियर्स वाला पार्ट है उसके लिए जो है लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों के ऊपर जब लोग अवेयर हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो वो खुद तो करेंगे नहीं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करेंगे। तो इंटीरियर डिज़ाइनर की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबली जो इंटीरियर डिजाइनिंग की जो सर्विसेज की मार्केट है वो अप्रोक्स $4 बिलियन तक जो है वो पहुंचने वाली है। और 2020 से लेकर के 2027 तक जो है लगभग 7.6% के रेट से बढ़ेगी। और डिफरेंट कंट्रीज के अगर मैं कुछ आंकड़ों के बारे में बात करूं, तो इसमें अगर चाइना की अगर बात की जाए चाइना के आंकड़ों के बारे में, तो चाइना में लगभग 11.9% की रेट से ये इंक्रीज होगी। और जापान और कनाडा में ये लगभग 4.2 से लेकर के 7% तक के बीच में जो सेगमेंट है, मतलब एक क्लैरिफाई नहीं है, 4.2 से 7% के बीच में जो ये इंक्रीज होगी। और जर्मनी में लगभग 5.2% के रेट से इंक्रीज होगी। और ग्लोबली अगर एक एवरेज देखा जाए तो 7.6% के हिसाब से ये ग्रो होगी। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि आपका US हो गया, तो वहां पर जितना भी डिजाइनिंग का काम है और जो आर्किटेक्चर काम है वो भी काफी तेजी से बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ ही घरों में होम ऑफिसेस को भी एक स्पेशल जगह जो है वो मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, और नेक्स्ट न्यूज है आपकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के। तो सस्टेनेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है कि मतलब आप ऐसे मटीरियल्स को आप इंटीरियर्स में या फिर बिल्डिंग्स में यूज कर रहे हैं जिसको कि बनाने में इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो कोई भी हार्म
जो है वो नहीं पहुंचाया गया। और इस चीज़ को लेके जितने भी डेवलपर्स हैं एंड जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं। और दोस्तों सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और जितनी भी नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं दोनों ही जो है काफ़ी वाइजली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर रही हैं और इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दे रही हैं कि जितनी भी चीज़ों को और जितने भी मटेरियल्स को हम इंटीरियर्स में यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको जितना हो सके कम से कम हार्म्स जो है वो पहुँचाया जाए। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी सारे क्रिटिकल स्टेप्स भी उठाए हैं और इनमें से अगर मैं किसी एक कंपनी का नाम लूँ तो आइका जो एक कंपनी है उसने इस सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी क्रिटिकल स्टेप्स उठा रहे हैं। और दोस्तों सस्टेनेबिलिटी को लेकर के 6 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी का जो डिज़ाइन है सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इन 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इस टॉपिक को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर भी जो हम एक फिर वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि 2021 में 7 ऐसे डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट हैं जो कि गायब होने वाले हैं और 8 ऐसे डिज़ाइन के ट्रेंड्स हैं जो कि आने वाले हैं। और ये मैं नहीं बता रही, बेसिकली जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ही जो है इस चीज़ को बताया है न्यूज़ के थ्रू जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिप लैप, तो ये जो है आउट ऑफ ट्रेंड होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ये विंडोज़ में यूज़ होता था जो कि अब जो है ट्रेंड से बाहर जाने वाला है 2021। और इसकी जगह जो है टाइल लेने वाली है, आपका प्लास्टर लेने वाला है, रैटन लेने वाला है एंड लिविंग वॉल्स पे आपका जो प्लांट्स हैं उसका जो यूज़ है वो होने वाला है। और ये जो तीनों चारों चीज़ें ये 2021 में पॉपुलर होने वाली है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रे कलर जो काफ़ी ट्रेंड में रहा है 2020 में, तो डिज़ाइनर्स का ये कहना है कि 2021 में जो ग्रे कलर है वो जाने वाला है आउट ऑफ ट्रेंड और उसकी जगह जितने भी बोल्ड टाइप के कलर्स हैं वो आपके ज़्यादा यूज़ होंगे किचन के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि इंटीरियर्स में पूरी तरीके से वाइट वॉल्स का यूज़ करने का काफ़ी ट्रेंड था जो कि 2021 में जाने वाला, और एक विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा आपके कलर्स के थ्रू, तो इस तरीके का जो ट्रेंड है वो आने वाला है और वाइट वाली जो वॉल्स हैं उसका ट्रेंड जाने वाला है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड सेंचुरी मॉडर्न फर्नीचर का भी जो ट्रेंड है वो 2021 में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बार्न डोर्स आप देख रहे हैं, तो बार्न डोर्स का जगह जो है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एंट्री वेज हैं वो लेने वाली हैं। बेसिकली बार्न डोर्स भी जो 2021 में जाने वाले हैं और इसकी जगह कौन से डोर्स लेंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके पॉकेट डोर्स हो गए एंड आपके क्लासिक फ्रेंच डोर्स हो गए, तो ये जो टाइप के जो डोर्स है वो बार्न डोर की जगह लेंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे आपके रूम की जो 4 वॉल्स होती है तो उसमें एक वॉल को हम एसेंट वॉल बनाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, तो ये भी जो ट्रेंड है 2021 में जाने वाला है। उसका बेसिकली रीजन भी है कि जो आपकी एसेंट वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगती है और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, तो फिलहाल डिजाइनर जो अभी बोल रहे हैं ऐसा कि 2021 में ये ट्रेंड जाने वाला है। मेरे को तो स्टार्टिंग से ही जो एक वॉल पर्टिकुलरली एक एसेंट वॉल, एक वॉल को जो है अलग से जो हाईलाइट करते थे वो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था, तो ठीक है 2021 में चला जाएगा तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे मैचिंग फर्नीचर का जो है यूज़ है वो ज़्यादातर करते थे, जैसे कि आपका बेड जो उनसा कलर का हो गया फर्नीचर भी उसी कलर का बनेगा, आपका डोर भी उसी कलर का है, तो इस तरीके से जो फर्नीचर के साथ जो मैचिंग बनाते थे ना तो वो भी अब जो है आउटडेटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 2020 में कौन से ट्रेंड्स हैं वो आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रैनी चिक जो कि एक स्टाइल है, तो ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो सकता है 2021 में क्योंकि बहुत ही न्यू और बहुत ही फ्रेश है। और इसी स्टाइल के अंदर क्या है कि जितने भी आपके फ्लोरल वॉलपेपर हो गए, आपके एंटिक पेंटिंग्स हो गई, आपका डेलिकेट चाइना या फिर विंटेज टाइप का जो टच है वो आपको इसके अंदर मिलता है। और 2021 में ऐसे वॉलपेपर जो है वो ट्रेंड में आने वाले हैं कि आप नॉर्मली वॉलपेपर लेके आइए एंड उसके ऊपर से आप कवर उतारिए और डायरेक्टली उसे चिपका दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी बंदे को बुलाना है और वो पेस्ट करेगा, तो आप नॉर्मली लाइए और उस पर ऊपर से अपना पेपर निकालिए एंड उसको जस्ट जो है वो पेस्ट कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम बात करते हैं कि किचन में कौन सा कलर जो है वो ट्रेंड में रहने वाला है, तो किचन में जो ग्रीन कलर है वो 2021 में जो है वो ट्रेंड में रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ग्रीन जो है आपका येलो और ब्लू इन दोनों का ही मिक्स है और आपको पता है कि येलो वार्म कलर है एंड ब्लू आपका कूल कलर है, तो ये दोनों का ही मिक्स है तो बहुत ही डिफरेंट है जिसका जो है वो 2021 में जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा किचन्स के अंदर और काफ़ी डिफरेंट कलर भी है। और 2021 में इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिज़ाइन जो थीम है वो काफ़ी पॉपुलर रहेगी।
और काफी ज्यादा ट्रेंड में रहेगी। और इस डिजाइन थीम में बेसिकली स्टोन वर्क हो गया और हाई सीलिंग्स हो गए, आपके वुड हो गए, मेटल एलिमेंट्स हो गए, न्यूट्रल कलर्स हो गए, तो ये जो सारी चीजें हैं इस ट्रेंड में जो है इस डिजाइन थीम में यूज की जाती हैं। और दोस्तों इंटीरियर डिजाइन थीम जो है वो कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक कोर्स क्रिएट करा हुआ है जिसका आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं कि ये जो कोर्स में आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेंगे और किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो वहां पर जाकर के अगर आपको लगता है आपको सीखना है तो आप उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो लेकर के उन ट्यूटोरियल्स को भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इन थीम्स में कितने टाइप्स की जो डिफरेंट किताब की जो थीम्स होती है उसको जानने में इंटरेस्ट है, 19 टाइप की जो थीम्स है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है इसमें। और उसमें मैं आपको बता दूं जो इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिजाइन थीम होती है ये बेसिकली आपका मॉडर्न थीम और जो आपका जो ट्रेडिशनल है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। और फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लास्टर वॉल्स हैं वो आने वाली है दोबारा से ट्रेंड में, और इसी के साथ साथ जो वीकर और जो रैटन फर्नीचर है वो भी जो है 2021 में ट्रेंड में वापस आएगा। और फिर जो नेचुरल फैब्रिक्स है ना वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे अगर हम कंपेयर करें उनकी सिंथेटिक फैब्रिक्स है तो सिंथेटिक फैब्रिक जैसे कि आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, तो 2021 में जो है ये आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। और जितने भी आपके रिसाइकल्ड फैब्रिक्स हैं जैसे कि आपका नेचुरल कॉटन हो गया एंड आपका रिसाइकल्ड पॉलिस्टर हो गया, लो इम्पैक्ट लिनन हो गया, तो ये जो है 2021 के ट्रेंड्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो इंटीरियर न्यूज़ है यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।